आज धरवे रे भैया आ सुनीति उस मढ़ैया में लेटी हुई है उस झोपड़ी में लेटी है आज उसी समय मेरे भैया विलाप कर रही है तो आज उसी समय क्या हुआ है मेरे भैया उस झोपड़ी में रहते रहते जो 6 मास व्यतीत हुए हैं विचार किया वैसे गुजारा होने वाला नहीं है तो आज उसी समय विचार किया है वैसे हम अपने पति की बिना आज्ञा के वैसे कहीं नहीं गए अपने बिना पति के आज्ञा के कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला कहीं नहीं निकली भला कोई कभी काम नहीं किया है लेकिन अब मैं मरने के लिए जा रही हूँ और महाराज जब व्यक्ति के हर द्वार बंद हो जाते हैं हर रास्ता बंद हो जाते हैं तो कोई और नहीं बल्कि यही सोचता है कि अब आत्महत्या कर लूं यही उचित रहेगा तो महाराज सुनीति ने विचार किया है कि अब ऐसे गुजारा नहीं होगा इससे अच्छा तो आत्महत्या करना ही है तो महाराज आज घर से बाहर जब चली है रात्रि का समय है आज आंखों से नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और चलती चली जा रही है घने जंगल में जिस समय पहुंची देवर्षि नारद ने देखा बेटी कहां जा रही हो अरे आगे शेर भालू चीते रहते हैं तुम्हारा भच्चर कर जाएंगे क्यों यहां इतनी रात्रि में घूम रही हो बोले महाराज हम मरने के लिए आए देव ऋषि नारद कहने लगे बेटी मरना आत्महत्या करना ये सबसे बड़ा पाप होता है जब हमारे बड़े सौभाग्य उत्पन्न होते हैं तभी ये हमें मानव का शरीर मिलता है और इसे इतनी जल्दी क्यों नष्ट करना चाहती क्या बात है कहा है कि हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया इसलिए हम मरना चाहते हैं नारद जी हंसने लगे ये तो बड़ी उचित बात है अरे घर में जब बालक पैदा नहीं हुआ तो तुम मर जाओगी तो क्या घर में कोई बालक पैदा हो जाएगा अरे लौट जा बिना मतलब में आई यहां मरने के लिए लौट जा आज सुनीति जब लौटने के लिए तैयार नहीं हुई कहने लगी वैसे महात्मा जी हम नहीं जाते लेकिन एक कारण है क्या हमने महाराज की दूसरी शादी करवाई है लेकिन उनके गर्भ से भी किसी बालक ने जन्म नहीं लिया नारद कहने लगे तो ठीक है जा तुम्हारे घर में एक बड़ा सुंदर बालक पैदा होगा जो भगवान का भक्त हो जा सुनीति हंसने लगी बोली महाराज हम तो जानते थे कि महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते लेकिन अब पता चला है कि महात्मा भी झूठ बोलने लगे नारद कहने लगे मैं तुम्हें कोई ऐसा वैसा महात्मा ढोंगी महात्मा दिखाई दे रहा है हमने कह दिया ना कि तुम्हारे घर में बालक पैदा होगा सुंदर होगा भगवान का भक्त होगा तो होगा क्योंकि मोर वचन चाहे पड़ जाए भीगा और संत वचन पत्थर की लीगा संत का वचन कभी खाली नहीं जाता सुनीति बोली महाराज हम इसलिए कह रहे हैं कि आज 6 मास व्यतीत हो गए लेकिन अभी तक हमने अपने पति की सूरत को नहीं देखा तो महाराज वो हमारी झोपड़ी में कभी आता ही नहीं है तो भला बालक पैदा कैसे हो जाएगा बोले तो ऐसा करो आज तुम जाओ और तुम थोड़ा भोजन करके तुम लेट जाना सोना नहीं है तुम इंतजार कर लेना और देव ऋषि नारद बोले हैं देवी तुम्हें नहीं मालूम है क्या कह दो दी ललाई